मध्य प्रदेश में सरकारी व्यवस्थाएं कितनी लापरवाह हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि देश की नेशनल क्रिकेट टीम में खेलने वाला एक दिव्यांग क्रिकेटर बीते 2 साल से एक स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई अफसर उसका हाल पूछने वाला नहीं है। यह है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की मस्तान शाह कॉलोनी में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रिजवान अहमद खान। 29 साल के रिजवान दिव्यांग हैं और व्हीलचेयर इंडिया की ओर से भारत के लिए क्रिकेट खेलते हैं। रिजवान अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। रिजवान के पिता जावेद इकबाल साइकिल का काम करते हैं और रिजवान खुद कंप्यूटर का काम कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। रिजवान बीते 2 साल में अलग अलग जिला कलेक्टरों को स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के लिए कुल 8 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उन आवेदनों का नतीजा क्या निकला, खुद रिजवान से सुनिए। राष्ट्रीय क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, व्हीलचेयर क्रिकेट इंडियन का। किस तरह की परेशानी है आप? पिछले मैं 2 सालों से एक स्पोर्ट व्हीलचेयर के लिए आवेदन दे रहा हूँ कलेक्टर साहब के पास, तो ना तो अभी तक कोई सुनवाई हुई है, ना उसमें ना कलेक्टर साहब ने कभी बात की है। मैंने मोहित बुंदे जी को भी आवेदन दिया है, कलेक्टर सीलन सिंह को भी आवेदन दिया है, और कलेक्टर सीलन सिंह को मैंने 3 बार आवेदन दे चुका हूँ, तो बस आश्वासन नहीं दिया है, बाकी हुआ कुछ नहीं अभी तक। कभी बात की हो आपसे? कभी बात नहीं की। किस तरह का आवेदन है, क्या है ये? नहीं नहीं कुछ नहीं कबूला है, बस वो ले लेते हैं, बस कहते हैं आपका काम हो जाएगा, तो अभी तक काम आज तक नहीं हुआ है। सिर्फ 2 साल हो गए। व्हील चेयर क्रिकेट खेलता हूँ मैं इंडिया की तरफ से, और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश टीम का कैप्टन भी हूँ। अच्छा, ये व्हील चेयर जो आपको नहीं मिल पा रही है, तो अगर नहीं मिल रही है तो उससे किस तरह का आपको नुकसान हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? यही नुकसान होगा, देख तो मैं व्हील चेयर मेरे पास है नहीं है, तो मेरा परफॉर्मेंस दिन ब दिन वीक होता चला जा रहा है, इससे मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता हूँ, और जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो व्हील चेयर से खेल रहा हूँ तो वो इतनी भारी होती है, उसको उठाना भी मुश्किल पड़ता है, और जो स्पोर्ट वाली व्हील चेयर होती है वो बिल्कुल हल्की होती है, उससे खेलने में आसानी, और ना तो उससे कोई लगता है ना उसमें कोई गिरता है, और जो व्हील चेयर रहेंगी उसमें मतलब बहुत सी परेशानी खेलने में, उठाने में, धरने में। जब मान लो आप गिर गए तो आपको व्हील चेयर आपके ऊपर ही गिर जाती है पूरी, तो उसमें चोटी वगैरह भी लगती है बहुत ज़्यादा, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे एक स्पोर्ट वाली व्हील चेयर का ही व्यवस्था कर दे, और हमारे लिए हम जो मध्य प्रदेश में 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको ले भी, क्योंकि उनके पास भी नहीं है ऐसी व्हील चेयर है। हालांकि जी चारों खिलाड़ी छतरपुर के हैं? जी छतरपुर के हैंगे, और अभी हम मध्य प्रदेश से जितने भी मध्य प्रदेश में जितने भी खिलाड़ी हैं, अभी इंदौर में हाल ही में कट्टे साहब ने 15 व्हील चेयरें दी हैं, ऐसे ही भिंड के कलेक्टर साहब ने 11 व्हील चेयर के लिए दी हैं खिलाड़ियों को लेकर, बस अपने छतरपुर में कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ की। मैंने कम से कम 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ, कल भी आया था तो कलेक्टर साहब बैठे ही नहीं थे। 2 साल से कोई बात कुछ बात नहीं हुई है, किसी ने बात नहीं की, ना कोई अधिकारी। इससे पहले मैं कलम कलेक्टर साहब को दिए और अपने विधायक जी हैं उनको भी दे चुका हूँ आवेदन, तो उन्होंने ये कहा था कि हो जाएगा आपका काम, लेकिन अभी तक नहीं। रिजवान भारत की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में 13वें नंबर के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा रिजवान मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। रिजवान के मामले को लेकर जब हमने जिला कलेक्टर संदीप जेआर से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में किसी भी तरीके का कोई आवेदन नहीं मिला है। वो हम चेक करेंगे, मुझे कोई आवेदन नहीं मिला, बट चेक कर लूंगा, है ना? ठीक ठीक जी। हालांकि हकीकत संदीप जेआर के दावे से एकदम अलग है। इस तस्वीर पर लगी कलेक्ट्रेट की मुहर बताती है कि रिजवान ने एक बार फिर से आवेदन किया है, लेकिन संदीप जेआर इस हकीकत से मुंह चुरा रहे हैं। खैर, कलेक्टर साहब ने मामले को देखने की बात कही है, अब आगे रिजवान को कितना इंतजार करना पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा।